हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। आज हम बनाएंगे प्योर जैन पाव भाजी, जिसमें बिल्कुल भी आलू, प्याज, लहसुन, अदरक या बटर का यूज़ नहीं होगा और टेस्ट के साथ कुछ भी समझौता नहीं होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली टेस्ट जैसी पाव भाजी आज हम घर पर बनाएंगे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग जैन रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी आपको क्लिक करना है। और वीडियो खत्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। सो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी ली है, एक शिमला मिर्ची, चार लाल टमाटर, तीन कच्चे केले और एक बाउल भर के हमने फ्रेश मटर लिए हैं, हरे मटर। अब हमें क्या करना है कि तीन केले और ये जो लौकी है इसे टुकड़ों में काट लेंगे। पहले हमने सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। सो देखिए, लौकी और केलों को मैंने इस तरह से काट लिया है और जो शिमला मिर्ची है इसे हम बाद में बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रेशर कुकर और इसमें जो कटे हुए केले और लौकी हैं इन्हें डाल देती हूँ। इसके साथ साथ हमें इसमें हरे मटर भी ऐड करने हैं, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और अब हम इसे अच्छा सा सॉफ्ट होने तक, मतलब करीबन तीन सीटी आने तक इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं। तो चलिए, लीड लगाकर अब हम इसका दो से तीन सीटी आने तक वेट करेंगे। तो जब तक वेजीज कुक हो रहे हैं तब तक हमें क्या करना है, लाल टमाटर जो है इसे भी अलग से कुक करना है। तो एक पतीले में मैंने लाल टमाटर डाल दिए हैं और इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसे रख देते हैं गैस पर। सो देखिए, यहाँ पर टमाटर उबल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीबन 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी होती है तो इससे बढ़िया सा कलर आएगा पाव भाजी में। अब देखिए, टमाटर को हमें इतना कुक करना है कि इसके जो छिलके हैं अपने आप उतरने लग जाए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और साइड में जो कुकर रखा है हमने इसकी भी सीटी हो रही है। तो टमाटर को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और कुकर की सीटी होने के बाद इसका भी गैस बंद करके इसे भी टोटली ठंडा होने देंगे। बाद में दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसका लेड निकाल लेते हैं और इसमें जो पानी है इसे हमें रिमूव करना है। अब आप कहेंगे कि पानी क्यों रिमूव करना है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो उतर गए होंगे। लेकिन अगर हम इस पानी का यूज़ करेंगे पाव भाजी बनाने में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी बिल्कुल काला सा निकला है, क्योंकि जो केले हमने इसमें कुक किए हैं इसकी वजह से ये जो पानी है काला हो गया है। तो इसका यूज़ करने से हो सकता है आपकी पाव भाजी में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगा। तो इस पानी को हमें रिमूव करना है। और अब सभी वेजेस को इस तरह से मैश कर लेंगे, एकदम बढ़िया सा मैश करना है इन्हें। इस पाव भाजी को खाने के बाद जो लोग प्याज, लहसुन, आलू खाते हैं वो लोग भी बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि बिना इन सभी चीज़ों के हमने ये पाव भाजी बनाई है, इतनी टेस्टी बनती है। सो देखिए, शिमला मिर्ची को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और जो लाल टमाटर है इसके भी छिलके मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह से पूरे छिलके हमें इसके रिमूव करने हैं। अब क्या करेंगे कि लाल टमाटर और जो लाल मिर्ची है उबली हुई, इन्हें हमें मिक्सर जार में निकाल कर इसकी एकदम स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर करनी है। ये जो टमाटर उबला हुआ पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम पाव भाजी बनाने के लिए ही करेंगे। टमाटर को थोड़ा सा क्रश कर देती हूँ ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। और ध्यान रखिए, इसे टोटली ठंडा करना है, नहीं तो आपकी मिक्सी और आपका जो किचन है ख़राब हो जाएगा अगर आप इसे गरम गरम ग्राइंड करते हैं। रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वाले पाव भाजी को बढ़िया सा कलर देने के लिए आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी कलर का यूज़ नहीं करेंगे। इस पेस्ट की वजह से हमारी पाव भाजी एकदम नेचुरल कलर में बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाती है। इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें पाव भाजी को टेस्टी बनाने के लिए प्रिपेयर करना है एक मसाला। यही वो सीक्रेट मसाला और पेस्ट है जिसकी वजह से हमारी पाव भाजी बिल्कुल टेस्टी बनेंगी और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि इसे हमने बिना प्याज, लहसुन, अदरक, आलू के बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है दरदरा पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे मैं क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। ये जैन पाव भाजी मसाला है, इसे मैंने घर पर ही प्रिपेयर किया है।
नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून। सभी मसालों को अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इन मसालों को हम ऐसे भी पाव भाजी में यूज़ कर सकते थे, तो इन्हें हमने पहले मिक्सअप क्यों किया है, तो इसका भी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो चलिए, हमने मसाला प्रिपेयर कर लिया है। साइड में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने ऐड किया है लगभग 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, जिसे हमने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को हमें अच्छे से गल जाने तक, सॉफ्ट होने तक कुक करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स किए हुए मसाले। तो इन मसालों को हमें अलग अलग ना ऐड करते हुए इस तरह से मिक्सअप करके ही क्यों ऐड करना है, तो इसकी एक खास वजह है। अगर हम इस तरह से इन मसालों को इसमें ऐड करते हैं तो इसका जो टेस्ट है एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो जाएगा और ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं अगर हम इन्हें एक एक करके ऐड नहीं करते हैं। तो हल्दी पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। और अब हमें इन्हें अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद इसमें ऐड करनी है हमारी प्योरी, जो हमने लाल टमाटर और लाल मिर्चों की तैयार की है। ये जो प्योरी है हमारे पाव भाजी को बढ़िया सा कलर देंगी, जिसकी वजह से हमें इसमें लाल फूड कलर ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम नेचुरल लाल कलर हमारी पाव भाजी में आ जाएगा। इस पेस्ट को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। और मिक्सी जार में लगी हुई जो पेस्ट है इसे भी हम निकालेंगे। तो टमाटर मिर्ची का जो पानी बचा है उसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। अब देखिए, इस मिश्रण में हमें ऐड करना है जो वेजेस हमने मैश करके रखी हुई है उन्हें। सभी चीज़ों को अच्छे से अब मिक्सअप कर लेंगे और इसे हमें अब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जस्ट 4 से 5 मिनट तक पूरे मसाले का फ्लेवर इन वेजेस में आ जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, आ गया है ना इसको बढ़िया सा कलर, लेकिन अभी ये अच्छे से मिक्सअप करना बाकी है। लास्ट में जब पाव भाजी तैयार हो जाएगी तो आप देख पाएंगे कि इसको एक बढ़िया सा कलर आ जाता है। सभी को हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। कीजिए, अभी हमारी पाव भाजी रेडी नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी इसमें मिक्सअप करना बाकी है गाइस। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कम तीखा होता है और बढ़िया सा कलर देता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जैन पाव भाजी मसाला। इसे मैंने घर पर प्रिपेयर किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी ही मैं इसकी भी रेसिपी आपके लिए शेयर करूँगी। अब मैशर का यूज़ करके हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, इसका इतना बढ़िया सा एरोमा आने लग गया है कि मेरा किचन इसकी खुशबू से महकने लगा है। तो अब इसे मैश करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है क्योंकि इतनी गाढ़ी पाव भाजी तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। मैं इसमें वही वाला पानी यूज़ करना है जो हमने मिक्सी जार में लाल टमाटर और लाल मिर्ची का कुक किया हुआ पानी डाला था। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वही वाला पानी। गाइस, इस पाव भाजी की रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और आपके जो अनुभव हैं मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिए। सो देखिए, जो पानी था हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्सअप करेंगे और जस्ट 2-3 मिनट के लिए अब हम इसे कुक करते हैं, तो हमारी जो पाव भाजी है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। नमक भी डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार इसमें। अब क्योंकि बहुत से जेंट्स बटर का भी यूज़ नहीं करते हैं तो मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि पाव भाजी में बढ़िया सा ग्लेज और बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो पाव भाजी हमारी रेडी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि तवे पर मैंने थोड़ा सा घी, पाव भाजी मसाला और ग्रीन कोरिएंडर डाल दिए हैं और इसके ऊपर हमें पाव को सेंकना है। सो लीजिए गाइस, यहाँ पर हमारे पाव भी रेडी है और गर्मा गर्म पाव भाजी भी रेडी है। तो
तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसी तरह की सभी जैन रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको सीखने को मिलेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना होने पाए। सो गाइज, फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।